देश रे पधारो मारे देश।
एयरपोर्ट के पास है अभी इनका भी ग्राउंड
आइए प्रधान जी। फायर प्लेस
किसका? किला बनाया था। अच्छा, राव जोधा। This is Jodhpur. See, there's a lake over there. There's a city. It's a beautiful. हमरा खुद मेरा अनुभव ठीक है जी. যে মা এখানে কিছু ভাবি যাবি দেখছে
দুপুরে কি বাজার করলাম আমি? ব্যাগ কি হে ব্যাগ কই গুনতে এন্ড মেয়ে আন্ডার ফর দা ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা এটা কি দিছি এই দুপুরে বললাম না কি কি জন্য ব্যাগ কিনেছি 1200 টাকা ও বলছে যে কি ভিডিও তুলছি আমি আমরা এখন যোধপুর স্টেশনে ওয়েটিং ফর আর ট্রেন টু জয়সালমের এখন সিগন্যাল লাল আছে তো ঘুরে বেড়াচ্ছি কটা বাজে দেখে নাও 12:02 দ্য ট্রেন ওয়াজ সাপোজ টু লিভ লাইক 50 মিনিটস ব্যাক বাট গোয়িং লেট অলরেডি এই আর কি আমি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি Golden City. The Golden City, and the train is already late. Currently running 18 minutes late. राजा का नाम था जैसलमेर तो मेरू बोलते पहाड़ी को ये पूरा 5 किलोमीटर फैला हुआ है भारत का सेकंड नंबर फोर्ट है फर्स्ट नंबर चित्तौड़गढ़ का किला दूसरा नंबर जैसलमेर किला है जिसमें दो कास्ट के लोग थे ब्राह्मण राजपूत ब्राह्मण राजा के सलाहकार थे राजपूत सभी सैनिक थे वो राजा के नीचे से काम कर रहे लोग उनका फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रह रहे हैं राजा ने इनको रहने के लिए घर दी इन लोगों ने क्या पूरा गाँव बसा रखा है घर तो पीछे बना आगे होटल रेस्टोरेंट दुकान है पूरा बड़े बड़े गाँव है इसके अंदर इस सोनार किला में आने जाने का एक ही रास्ता है जहाँ से अपन जाएंगे ना उसी से अपन को वापिस आना है इसमें 4 गेट बनाए हुए जहाँ से आपने एंटर किया उसका नाम अखी पोल अखी सिंह राजा ने बनवाया था सेकंड नंबर सूरत पोल थर्ड नंबर गणेश पोल फोर्थ नंबर हवा फ्लोट ये एक रास्ते पर 4 गेट है चारों गेट की एक खासियत है कि आपने पहला गेट देख लिया दूसरा आपको नहीं दिखाई देगा और दूसरा देख लिया तीसरा नहीं और तीसरा देख चौथा चारों गेट सांप की तरह बनाए हुए 1351 और 1390 में 2 बार अटैक किया मुगलों ने मोहम्मद गोरी अलाउद्दीन खिलजी ने तो देखिए दादा पहला गेट आपने देखा दूसरा आपने नहीं देखा सामने दीवार आ गई है तो दुश्मन अचानक अंदर आकर भटक कर पीछे बाहर भागने की कोशिश करता था हम घर बनाते चूना सीमेंट पानी का यूज करते हैं इस फोर्ट के अंदर कोई यूज नहीं है पूरा काम इंटरलॉकिंग है एक दूसरे को पत्थर जोड़कर बनाए इंटरलॉकिंग ऐसे गोल गोल टावर देख रही हो ब्रिज पूरे नॉर्थ इन टावर जहाँ पहले टाइम में सैनिक लोग खड़े थे अभी इन लोगों ने क्या होटलें बना रखी है सबसे बड़ा टावर इसको बोलते हैं मोतकुआ हाँ या इसका नाम है बेरीसाल ब्रिज बेरीसाल का मतलब दुश्मन को सजा देने वाला राजा के समय कोई दुश्मन जनता निकलता जितना भी पता की टुकड़े ना इतना दवा भी कुआ है 100 फुट का अच्छा। और नमक के बोरे में डालकर उसको जिंदा ही दुश्मन को फेंक देते उसी टाइम की सजा थी देखो देखो सामने गोल गोल पत्थर रखे हुए लड्डुओं की तरह और लंबे लंबे दीवार पर राजा के समय हथियार थे जब भी दुश्मन ऊपर चढ़ने को सीधा सैनिक पीछे खड़े होते वो पत्थर उनके ऊपर गिराते थे या देखो कबूतर बैठे जालियाँ इन जाली से गरम तेल या गरम पानी डालते थे
अगर दुश्मन पत्थर से बच भी गया तो कब वापस नीचे गिर जाएगा। पहले राजा के समय हाथी घोड़ों से हमला करते थे, हाथी की बहुत ताकत होती ना, उसको नीचे गिराने के लिए रास्ते पर तेल डालते थे ताकि वो फिसल के वापस नीचे गिर जाएगा। जैसलमेर देखना बड़ा कठिन काम। हमारे अभी आप मरुभूमि घूम कर आ गए, जाओगे ना तो शाम को ये पूरा मरुभूमि था जैसलमेर। देखोगे शाम को आप तो जैसलमेर पूरा नीचे पूरा मरुभूमि था। ये जैसलमेर की पब्लिक आप देख रहे हो सब फोर्ट के अंदर थी, पुरानी जैसलमेर सब इसके अंदर है और अभी नई जैसलमेर सिटी बनी है नई। तो एक हमारे राजस्थानी कविता बोली कवि ने कि घोड़ा कीजिए काट का पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का जब देखे जैसान। घोड़ा कीजिए काट का आपका शरीर लकड़ी की तरह चाहिए, रास्ते में थकान महसूस ना हो। पिंड आपका पेट पत्थर की तरह चाहिए, रास्ते में भूख प्यास न लगे। और वस्त्र आपकी लोहे की तरह चाहिए ताकि सालों साल चले फटे नहीं। तभी तो आप हमारा जैसलमेर देख सकते हो, इतना मेहनती काम राजा के समय जैसलमेर ना, अब इतना कौन चलना पसंद करता है। अभी तो आपको पुलिस वाले ने रोक दिया वरना रिक्शा अपना सीधा ऊपर जाता है, तो दो मिनट का रास्ता ज्यादा नहीं है। जितना आप अपन आए ना इतना और भी आगे है। अपन को लोग चलने नहीं देते, गाड़ियों में धक्के डालते हैं और घुमाकर फिर गाड़ियों से भगाते हैं। अपन को पैदल चलना है, इसलिए अभी हमने नई कहावत बनाई है कि घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान, चंद घंटों में देख लो तिरकुट का जैसान। अब आप जैसे मेरे कुछ घंटे लगते हैं, इसको सबसे पुराना नाम है तिरकुटगढ़ जैसलमेर का फोर्ट का, या इसको सोनार किला बोलते हैं या इसको गोल्डन फोर्ट बोलते हैं, जैसलमेर गढ़ बोलते हैं। अभी इसके बहुत नाम है, अभी अपन चलेंगे ऊपर। এটা ছবি তুলো বোঝা ট্রেডিশনাল পাপেটস। Limestone. सामने सैनिक लोग आते थे उसका हमला करके मार के भगा देते, ये सॉफ्ट रास्ता है, गुप्त रास्ता है। अच्छा, किले के अंदर जाने के लिए अपन यहाँ से चलेंगे, यहाँ से सैनिक लोग आते थे और मार के वापिस को मार भगा देते। यहाँ से अपन आते था, अपन को लगता तीसरा गेट है गणेश, तीसरा नहीं है फर्स्ट गेट है सुनार किले का, क्योंकि 1956 के अंदर राजा जैसल देव ने स्थापना यहाँ से की थी। अपन अपना पहला घर बना था ना तो ठाकुर जी की स्थापना करते हैं, तो जैसल देव ने ठाकुर जी की स्थापना की, देखो गणेश जी की। तो ये पहला गेट है सुनार किले का, अभी अपना किला यहाँ से शुरू है, वो बाकी वाले गेट सभी बाद में बने। হ্যাঁ তুলছি। हमला होने वाला फोर्ट के ऊपर, तो यहाँ से बिल्कुल नगाड़ा बजा दे यहाँ से। अभी फोर्ट का लास्ट गेट है हुआ पुल, जैसे मार्च और अप्रैल महीने के अंदर 50 यहाँ पर ये हालात होते हैं। यहाँ के लोग घर से बाहर नहीं निकलते, आप तो क्या घूमने नहीं आओगे, और फिर भी हवा फोर्ट के अंदर 12 महीने हुआ दिए, क्योंकि ये पहाड़ी पर बसा हुआ है। अभी अपना कोई गेट नहीं है, अभी अंदर सोनार किला के अंदर अपन को घूमना ही।
रास्ते रुके हैं। पीछे लग जाओ Yellow limestone. ये जाच्छे, ये चुट्टा तो टान लाम। हाहाहा, ये देखी मंदिर पतला पतला गोली रहा। और इंश्योरेंस के पानी था दही के ऊपर तो ये अपने आप शौक लेगा गाढ़ा पनीर जैसा आपको दही मिलता है टेस्टी ये हम यूज करते हैं सोनापट्टी का यहाँ के लोग बर्तन बनाते हैं मूर्तियां बना घर भी बनाते हैं ये नेचुरल पत्थर है क्योंकि अपन पानी डाल देंगे पानी पांच मिनट सोख लेगा इतना पत्थर ये ना क्योंकि वो ठंडा पत्थर है जैसलमेर में 50 डिग्री से गर्मी होती है मार्च अप्रैल मई के अंदर यहाँ के लोग यहाँ कोई घर से पानी नहीं निकलता फिर भी पत्थर बहुत ठंडा है इतना अपन गर्मी का एहसास नहीं होता आराम से लोग घूमते हैं ये जैसे ना अपन इसको पानी डालते जाएंगे घसेंगे आपको नई चमक मिलेगी और छोड़ देंगे तो काला पत्थर बन जाएगा पानी डालते जाएंगे अपन घसेंगे खांचा बना दे तो ऐसे अपन भी कर सकते हैं क्योंकि नेचुरल पत्थर है आप जितना भी पानी डालोगे और नरम होता जाएगा पत्थर गुरु की तरह ये जैसे में गोल्ड पर सोना पार्टी का ये जैसे में हमारे दो पत्थर लकी है अभी चलेंगे अंदर आई ये मूर्ति 2066 साल पुरानी है हमारे जैसलमेर की राजधानी मित्रवा गांव से यहाँ से 17 किलोमीटर दूर पहले टाइम में जैसलमेर को सोने की चिड़िया बोलते थे या स्वर्ग नगरी बोलते हैं अभी भी क्योंकि मुगल लोग जब अटैक करने आते ना तो सोना चांदी लूटने के लिए आते कुछ मिलता नहीं तो मंदिर को खंडित करने लगे तो पार्श्वनाथ मूर्ति सुरंग के द्वारा लेकर आए सुरंग एक गुफा है आज भी वहां तक जाती है मैं आपको दिखाऊंगा ये रंगमट अब देखिए अपन को लग रहा काट लकड़ी का बना दिया लकड़ी का नहीं पत्थर का है जैसलमेर Thank you.
दूसरे की बात पूजा सिंपल दिखाया गया है, इसमें भी इधर इंद्र भगवान है, पास में नृत्य करते हुए अवसर आए और नीचे टोटल अलग अलग बात है। কলকাতা গেস্ট হাউস আচ্ছা
आज भी इसके अंदर सोना के 500 फैमिली आज भी है। उन लोगों ने अपना पूरा घर पीछे बना आगे पूरा बिजनेस खोल रखा। अभी आप देख रहे हो ना पूरा फोर्ट कैसा है, बिजनेस है इसके अंदर। यहाँ पर ये मुकुल का बाड़ी है, दिखाते हैं मुकुल की बाड़ी। মুকুলের বাড়ি এটা, মুকুলের বাড়ি। এই যে এটা হচ্ছে মুকুলের বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দেখে अपन 250 फुट ऊपर खड़े हैं, इसका नाम है सूली डूंगर। वो देखो सामने पहाड़ी 250 फुट ऊपर सूली डूंगर। राजा को दुश्मन गद्दार निकलता सूली वहां से लगता है। लाल झंडा देखा हिल रहा है पास से। तो बीच तो सूली और ये मुझे बता লকড়ির বাড়ি ফোর্টের ভেতরে আমরা। ফোর্টের ভেতরে রেস্টোরেশনের কাজ চলছে।
श्री सलीम सिंह हवेली थे जिस यू कैन सी सलीम सिंह हवेली आइए माँ माँ चलो चलो ना उनके फाइव सन थे तो फाइव सन के लिए फाइव हवेली बनवाया उन्होंने कंटिन्यू देखो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री सब कनेक्टेड हवेलियाँ हैं इसको 60 ईयर क्यों लगे क्योंकि हवेली हवेली विदाउट सीमेंट एंड विदाउट वाटर की बनाई गई है हाँ वही इंटरलॉकिंग सिस्टम होता ना जो इसे बाहर से बना के जोड़ दिया नहीं नहीं यहीं पर जाता है लाके जोड़ा जाता है जैसे यहाँ पर भी देखो इंटरलॉकिंग किया है सीट पे देखो आयरन का की लगा ना उसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग और ये जो कार्विंग का वर्क है पूरा हैंडवर्क है जैसे कपड़े के ऊपर जरी का काम होता है ना पूरा स्टोन के ऊपर काम है मतलब ओल्ड टाइम में जिसके पास जितना पैसा होता है वो वैसा कार्विंग ज़्यादा कराता है जैसे ऐसा काम फोर्ट पर भी नहीं है जो आप किले है ना किले के फोर्ट पर भी नहीं है लोग बिजनेसमैन थे ये लोग सिल्वर का गोल्ड का अफीम का बिजनेस था इन लोगों का क्योंकि अभी जो पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ पर पहले एक सिल्क रूट का रास्ता था जैसे आज बॉम्बे में और कोलकाता में होता ना सिल्क रूट शिप पर होता है तो पहले यहाँ कैमल के ऊपर इनका पूरा बिजनेस चलता था मेन जो अफीम का बिजनेस था इनका जो भारत और पाकिस्तान में चलता था आप देखो पाँच फ्लोर तो ऊपर है अवेली और दो फ्लोर तक बेस के अंदर जाता है
नीचे भी दो फ्लोर, अफीम को छुपा कर रखते थे ये लोग ज्यादा, तो इसलिए दो फ्लोर तक नीचे है, तो वहाँ अफीम ये छुपा कर रखते थे दो फ्लोर तक, क्योंकि अफीम क्या थोड़ा बहुत इनका मेन व्यापार वही था और ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी लगता था वो ओल्ड टाइम में, तो मतलब मेन इसलिए दो सब हवेलियाँ दो दो फ्लोर नीचे तक। लेकिन 1947 के बाद इनका बिजनेस पूरा क्लोज हो गया, जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो वो सिल्क रूट का रास्ता बंद हो गया, तो ये लोग बाहर जाने लगे और हवेलियों को सेल करना चालू कर दिया। अच्छा, नंबर फर्स्ट हवेली देख रहे हो वाला पीला बॉर्डर है यहाँ से नंबर फर्स्ट, इसको 1952 में जीवन लाल जी कोठारी 80,000 रुपीज में परचेस कर दिया। अच्छा, उस टाइम का 80,000 रुपये आज के टाइम में 80,000 बहुत होता है। 1952 में, तो 80,000 तो उस आप 80,000 आज के अगर वो देख ले तो बहुत ज़्यादा होगा। फिर नंबर दो और नंबर फाइव ये इंदिरा गांधी ने खरीद लिया 1974, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आए थे उस न्यूक्लियर टेस्ट में, उन्हें जब पता चला कि हवेलिया सेल हो रही है तो उन्होंने जब हवेली को देखा तो ऐसा कार्विंग का काम उन्होंने कहीं नहीं देखा था, तो इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए दो हवेलियाँ उन्होंने खरीद लिया, दो नंबर को और पांच नंबर। अच्छा, और यहाँ जो पुरातत्व तो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को दे दिया, ASI होता है ना। अच्छा, वही म्यूजियम हो गया। हाँ नहीं नहीं म्यूजियम अलग है। अच्छा, ये दो पास उनको दे दिया। नंबर थ्री में आज भी जरी का काम होता है जो एमरू रिवर का रेंट पे हवेली है। नंबर फोर में पटवा लोगों का एक फैमिली आज भी रहता है जो पटवा है ना खुद जो पहले थे। एंड नंबर फाइव वापस गवर्नमेंट का है जो पूरा एम्प्टी हवेली है। ये जो खाली जगह देख रहे हो यहाँ पर हाउस थे पहले बड़े बड़े, इंदिरा गांधी ने देखा आप आगे से हवेली को देख नहीं सकते, उसकी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, उन्होंने हवेली के सामने के जो हाउस थे ना वो भी परचेस कर लिए और उनको तोड़ दिया और ऐसी सीट बनवा दी बैठने की। नंबर पाँच के सामने भी आपको ऐसी खाली जगह मिलेगी और उन्होंने नोटिस भी बनाया कि अब हवेलियों को कोई सेल नहीं कर सकेगा। नंबर वन में तो म्यूजियम है, जो प्राइवेट हवेली आज गवर्नमेंट कर रही है, जीवन लाल जी कोठारी का है उसके अंदर म्यूजियम। नंबर दो है जो पूरा टूट गया है गवर्नमेंट का हवेली इसलिए बंद है। नंबर थ्री रेंट पे, फोर में पटवा लोग रहते हैं, एंड फाइव जो वापस गवर्नमेंट का एम्प्टी हवेली। तो आपको म्यूजियम देखना है तो वहाँ से टिकट, जिसमें पूरा ना पटवा लोग कैसे रहते थे उसका पूरा लाइफ स्टाइल। और इसके सामने दो मुनीम लोगों का भी हवेली है, अगर उनको मिले तो सात हवेलियाँ हो जाती है, तो एक मुनीम तो चला गया जो होता ना अकाउंटेंट, और एक है जो 50 ईयर्स बांधनी का साड़ी आता है ना वो ही बना रहा है और सेल कर रहा है, अपना पर्सनल हवेली है अंदर ही बनाता है काम करता है और सेलिंग करता है। वो आगे है तो यहाँ मतलब इसके सामने है पांच बीस साल से। ये पटवो की हवेली में इस दी एम्प्टी हवेली सैंडस्टोन एंड कांच अमेजिंग ऊपर सीलिंग टा जस्ट अनबिलीवेबल। खाली का हवेली कैसा होता है उस देखने के लिए? जैसे डाइनिंग रूम है, किचन रूम है। अच्छा, म्यूजियम भी है। म्यूजियम भी यही है? नहीं म्यूजियम अलग है। नहीं मतलब चलो देखते हैं ऊपर जाओ तो चलते हैं।
बच्चे। मैं रोते रोते तुल चो रो रो किचन विचन कहाँ है? अच्छा ये सब क्या किस रूम से कहाँ पर मॉर्निंग ऑफिस होता है जैसे ये वाला है। Because it's we're very tired actually. This is the gate, Tilioka pole. This is a list of films shot in Jaisalmer.